ಅದೇಯಮ್ಮಪ್ಪಣೋಪ್ಪ ಕಮ್ಮೋಪಾದಿ ಸಮಭವ ಗುಣಪಜ್ಜಾಯಿ ಹಿಂಬದೀರಿತು ಹೇ ಹೇ ಸಹಿತ ಜೀವಾದಿಯಾತ್ಮ ಗ್ರಾಯ ಹೇ ಉತ್ಪನ್ನ ಗುಣ ಹರೆ ಈಗ ದೇಖ ರೇ ಬನ್ನೋ जीवादि सात तत्वों का समूह परद्रव्य होने के कारण वास्तव में उपादेय नहीं है। वास्तव में उपादेय नहीं है। सुबह भी ऐसा प्रश्न आया था, जैसे जीव अपने जीव परद्रव्य हो गया क्या? तो सुबह हालांकि कहा था बेटा तो अपना ही है, लेकिन प्रयोजन नहीं सह देता, अपना नहीं कहते। सुबह दृष्टांत दिया था और ऐसे समझना, जीव तो जीव है परंतु परद्रव्य क्यों कह रहे हैं कि जिस एंगल से शास्त्रों में जीव का वर्णन आता है, गुण पर्याय के भेद से, असंख्यात प्रदेश से, दस प्राणों से, नाना प्रकार से वर्णन आता है, यदि हम ऐसा विचार करते रहें, ऐसा चिंतन करते रहें, उस गुण भेद का लक्ष्य करते रहें, तो हमें आत्मा की स्वयं संवेदन अन्य आत्मानुभूति निर्विकलता की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए वो आत्मा भी परद्रव्य है, वो जीव भी परद्रव्य है। अब इसका खुलासा बाद में आने वाला है। सात तत्व की चर्चा यहां बहुत जरूरी है एकदम। जिन्हें सात तत्व का जोरदार अभ्यास हो तो समझ में आए ही बात, और नहीं तो यहां पर सात तत्व की चर्चा करना अपरिहार्य है। सात तत्व क्या चीज है सबको मालूम होगा, इसलिए दो मिनट के अंदर शॉर्ट में करते हैं। जीव की सात अवस्थाएं और पुद्गल की सात अवस्थाएं। भावबंध ये जीव की अवस्था, द्रव्यबंध ये पुद्गल की अवस्था, इसी प्रकार से मोक्ष तक सबको पता है, ये बात मालूम है सबको। द्रव्य मोक्ष आठ कर्मों का नष्ट हो जाना, भाव मोक्ष जीव का पूर्ण शुद्ध निर्मल परिणति का प्रकट हो जाना, पूर्ण निर्मलता का प्रकट होना, ये भाव मोक्ष। द्रव्य आश्रम में कर्मों का आना, भाव आश्रम में मोह राग द्वेष आदि विकारी भावों का उत्पन्न होना, ऐसे दो दो है ना सारे, तो इतने शॉर्ट में खत्म कर रहे हैं। फिर कभी हम इसकी चर्चा भी लेंगे, लेकिन चूंकि आज संडे का दिन है और हमने पहले बोल दिया है पांच भाव वाली बात, इसलिए उसे लेना है। मैंने इसको मैं फिर उठाऊंगा नए लोगों के लिए, ये चर्चा में एक बार फिर उठाऊंगा, क्यों बहुत अमृत है ये चर्चा सात तत्व। लेकिन अभी ध्यान से सुनना है। सौम्य तुम लड़का हो ना, डरो नहीं, हो कितने साल के हो तुम, कितने साल के हो? 13 साल। कोई डरने की बात नहीं है, देखना ध्यान से सुनना बस। इसमें दो तत्व विद्यमान है, एक पुरुषपना और एक 13 वर्ष की अवस्था। 13 वर्ष की अवस्था बदल जाएगी लेकिन पुत्रपना नहीं बदलेगा, पुरुषपना नहीं बदलेगा। ऐसे दो तत्व है कि नहीं है? ऐसे एक ही समय में जीव और उसका आश्रम रूप परिणमन, जीव और संभव रूप परिणमन, जीव और मोक्ष रूप परिणमन, जीव और निर्जरा रूप परिणमन लगाते जाओ। ऐसे एक ही समय में दो तत्व हैं, एक नहीं है। अभी अपन एक है कि दो है? एक है कि दो है? एक का है, एक तो जीव है और एक जीव की वर्तमान दशा में होने वाले मोह राग द्वेष आदि आश्रव बंद संबर। अब संबर अभी सम्यक दर्शन हुए तो संबर, लेकिन आश्रव बंद है कि नहीं है? अब देखना, क्यों तुम अगले साल कितने साल के हो जाओगे? 14 के हो जाओगे। और तुम फिर सौम्य थोड़ी रहेगा, सौम्य रहेगा कि नहीं रहेगा, लड़का रहेगा कि नहीं रहेगा, पुत्र पना रहेगा कि नहीं रहेगा, पुरुष पना रहेगा कि नहीं रहेगा? जो पुरुष पना रहेगा वो पारिणामिक भाव, बदलने वाली अवस्था वो अभी आश्रव तत्व कहो, बंद कहो, संबर कहो, निर्जरा कहो, मोक्ष कहो। भैया पुत्रपना कब बढ़ जाता है स्वामी? जब तुम 35 साल के हो जाओगे, 40 साल के, तब तुम देश के राष्ट्रपति बन जाओगे, प्रधानमंत्री बन जाओगे, तब तुम्हें पुत्रपना बढ़ जाएगा। फिर तुम्हारे पिताजी तुम्हारे पैर छुएंगे, अरे वाह हमारा लड़का तो
राष्ट्रपति तो अब तो उल्टा पैर छूना चाहिए। क्या गजब बात है, पुत्र पना नहीं बढ़ता। अरे भाई दबे करोड़पति आदमी लखपति रह जाए, हजारपति रह जाए, कंगाल हो जाए तो क्यों उसमें पुत्र पना घट जाएगा है? नहीं घटेगा ना। माने कोई ना कोई एक चीज ऐसी जरूर है जो नहीं घटती, नहीं बढ़ती। अब तो समझ में आए। ऐसे ही आत्मा की एक अवस्था ऐसी है जो घटती नहीं है और बढ़ती नहीं है, उसका नाम परिणामिक भाव है, उसका नाम जीव भाव है, उसका नाम आश्रय भूत भाव है, आश्रय करने लायक भाव है, एक बदलने वाला है। तो जो बदलने वाला है उसे देखेंगे तो आनंद नहीं आएगा, नॉन चेंजेबल देखेंगे तो आनंद आएगा। पक्की बात है कि नहीं है? पक्की बात है कि नहीं है? आहा, घटना और बढ़ना दोनों नहीं देखते हैं? घटना और बढ़ना दोनों नहीं देखते। इसके दृष्टांत बहुत देंगे, बाद में देंगे, लेकिन अभी हम देना नहीं चाहते। हमें तो शॉर्ट में सात तत्व समझाने हैं बस। सात तत्व समझ में आए? जीव की अवस्था वो नहीं देखना। अभी अवस्था को तो कहेंगे परद्रव्य, जीव की अवस्था को तो कहेंगे परद्रव्य। जीव की अवस्था में मोक्ष हो तो परद्रव्य, जीव की अवस्था में संबंध निद्रा हो तो भी परद्रव्य, और जीव की अवस्था में ही आश्रय बंद हो तो भी परद्रव्य। क्यों परद्रव्य? बस इसका आंसर देके चलेंगे आगे। क्या क्यों है परद्रव्य? इसलिए परद्रव्य है कि जैसे परद्रव्य के आश्रय से सम्यक दर्शन नहीं होता, ऐसे ही आश्रय बंद संबर निर्जरा मोक्ष 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 छायिक भाव इसकी ओर देखने से भी सहानुभूति नहीं होती, इससे इसे देखने से भी आनंद की उत्पत्ति नहीं होती। बल्कि जब मैं सात तत्व चलाऊंगा तो एक कहूंगा कि मोक्ष की स्मृति याद करना, याद करना, वो भी आश्रय तत्व है। संबर निजरा का स्मरण, चिंतन, विचार, भावना कौन सा तत्व है? ऐसा आपने सुना होगा, मोक्ष के चाहने से मोक्ष नहीं होता, सम्यक दर्शन के चाहने से सम्यक दर्शन नहीं होता। लॉजिक दो, लॉजिक लॉजिक क्यों नहीं होता? क्योंकि सम्यक दर्शन का चाहना 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 वो खुद ही आश्रय है। नहीं समझ में आया? सम्यक दर्शन का चाहना, मोक्ष का चाहना, समर निर्जरा मोक्ष का चाहना अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? दाल रोटी सब्जी मकान हीरा माणिक मोती मांगो वो तो बुरी बात नहीं, बुरी बात बहुत बुरी बात है कि बुरी बात नहीं? क्या मांगना चाहिए? क्यों क्या मांगना चाहिए? अच्छी चीज मांगना चाहिए कि बुरी चीज मांगना चाहिए? सोच के बोलो क्या मांगना चाहिए। एक बात कहूं आपको, अपने मालवा में मांगने वाले को मंगता कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? मांगे वो मंगता, अरे मंगता को मोक्ष नहीं मिलता। गुरुदेव श्री कहते थे भिखारी भिखारी, एक को छोटा भिखारी कहते थे, एक को मोटा भिखारी कहते थे, मोटा माने बड़ा। अरे नहीं, पंडित साहब ने एक बहुत बढ़िया सूक्ति दी है जिन मंदिर में लिखाने लायक, बहुत जोरदार है। जिन मंदिर शिक्षालय है भिक्षालय नहीं। क्या कह रहे हैं? जिन मंदिर क्या है? शिक्षालय। ये देखो शिक्षा का काम चल रहा है, चार चार पीरियड छह छह पीरियड लग रहे हैं, स्कूल नहीं चल रहे। जिन मंदिर में स्कूल नहीं चल रहे, ये शिक्षालय है भिक्षालय नहीं है। यहां भगवान के सामने ऐसा नहीं होता, ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है, इसके बाद ऐसे होता है, देखा है? नहीं ऐसे होते हैं, फिर डॉक्टर के पास जाओ तो पहले तो नमस्ते, फिर अपना काम प्रयोजन साथ के, फिर अपना बस चलते हैं, फिर क्या करते हैं? ऐसे भगवान जिनेन्द्र देव साक्षी में, और फिर इसके बाद क्या करते हैं? करें नहीं माला फेरते हैं, नहीं सामायिक करते हैं, जो भी कुछ करते हैं। माने सम्यक दर्शन की विधि यहां से शुरू हुई। हाँ भाई, शिक्षालय की भिक्षालय तो मोक्ष चाहिए तुम लोगों को? मोक्ष चाहिए? किस किस को चाहिए मोक्ष? सम्यक दर्शन चाहिए? हे भगवान आपकी कृपा से सम्यक दर्शन हो जाए। ये तो भगवान कह रहे मेरी कृपा से ही होगा, लेकिन मेरी कृपा तो यह है कि विधि सिखा रहा हूं, विधि सिखा रहे हैं आप, विधि सीखो, जिन वाणी से विधि सीखो, और मुझे देख के सीख सकते हो तो मुझे देख के सीख लो, दोनों ही बात है। मुझे देखे देख के भी सीख सकते हो, और चाहो तो प्रवचन सुन करके दिव्य ध्वनि सुन करके सीख लो,
लेकिन यहां मंगताओं का राज, जैन दर्शन में मंगताओं का कोई राज नहीं है। बराबर बात तो कहां से उठी थी, मांगने से मोक्ष नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता आप बोल दो उत्तर, आप बोल दो। हाँ, ये तो जवाब तुमने बिल्कुल एकदम टू दी पॉइंट दिया बिल्कुल, लेकिन थोड़ा हल्के जवाब में दो मालवी भाषा में। हाँ? क्योंकि मंगता को मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष चाहे ना, लेकिन सुनने में तो कितनी अच्छी लगती है, मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, सम्यक दर्शन चाहिए, ज्ञान चाहिए, चारित चाहिए, हे भगवान हे भगवान। अपने को ऐसा लगता है जैसे अपन ने हीरा नहीं मांगू मैं, माणिक नहीं मांगू, कोई भजन भजन है कुछ, ऐसा नहीं मांगू वैसा नहीं मांगू, नहीं मांगू तो फिर क्या मांगे, क्या मांगते हो? अरे वे कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। तो दो अवस्था हुई, समझ में आया कि नहीं, एक जीव और एक जीव की बदलने वाली अवस्था। तो जैसे परद्रव्य को देखने से, परद्रव्य के लक्ष्य से, विचार से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष नहीं होता, ऐसे ही आत्मा की अवस्थाओं को जानने से, विचारने से, चाहने से मोक्ष नहीं होता। इसलिए जैसे परद्रव्य हमें परद्रव्य है, ऐसी आत्मा की समस्त अवस्थाएं भी मेरे लिए परद्रव्य है। क्या है परद्रव्य का मतलब? उलायना है, उलायना। उलायना समझते कि नहीं समझते? उलायना ऐसा परद्रव्य नहीं कि यहां से तोड़ के दो कर दिया, ऐसा कोई दो परद्रव्य नहीं है। लेकिन जैसे परद्रव्य के लक्ष्य से काम नहीं होता, ऐसे अपने इस प्रकार की अवस्था अवस्था इन अवस्थाओं के लक्ष्य से काम नहीं होता, इसलिए परद्रव्य है। इतनी बात बराबर। अभी आगे चलते हैं, देखो मैं अभी दिखाऊंगा आपको, अवस्था दिखाता हूं। अभी आगे की चर्चा छोड़ देते हैं, डायरेक्ट वही वाली बात ले लेते हैं। कौन सी? जो चार लाइन छोड़ करके है फिर आगे, औदयिक आदि मिला। अगली तीन लाइन हमें देखो छोड़ करके, औदयिक आदि चार भावांतरों को अगोचर होने से, ये औदयिक आदि चार, बस इसकी चर्चा उठानी खास। देखो जो नए लोग हो वो बिल्कुल आंख खोल के रखना, पुराने लोग भले आंखें बंद करें तो चलेगा, वैसे कोई आंख बंद करता नहीं है यहां पे, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि जो लोग बिल्कुल ऐसे समझ के बैठे हैं, मेरे पास एक दो रिपोर्ट आई कि वो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या उन्होंने क्या होता है ये पारनामिक पारनामिक पारनामिक, आज इस बार तो पंडित जी को जाने क्या हो गया। पहले आते थे तो ऐसा कुछ कहते थे, चरणानियों की आचरण की सदाचार की कुछ कहते थे, इस बार तो जाने कौन सूंघ गया। तो ऐसी कोई शिकायत हो तो आप बिल्कुल शांति से बैठ के समझो जरा, क्योंकि ये असली में असली बात है, एकदम जोरदार बात है और बिल्कुल सरलता समझ में आएगी। ध्यान से सुनना भैया, शुरू करें। देखो मैं जानता हूं कि पांच भाव की बहुत विस्तार से चर्चा आगम में है, आगम में हो वो मैं नहीं उठा रहा, अभी वो मैं नहीं उठा रहा हूं। मैं तो शॉर्ट एंड स्वीट, जो अपने काम में जल्दी समझ में आ जाए और आपको अब भी याद हो जाए उतना मैं पढ़ाऊंगा, बाकी आप पाठशाला में आ जाना, और जो पहले से स्वाध्यायी उन्हें तो कुछ कहने की जरूरत नहीं, जो नहीं जानते वो पाठशाला में पढ़ लेना, नहीं तो जिनवाणी पढ़ लेना। बराबर। देखो भैया क्या क्या पढ़ाएंगे आज की चर्चा में? पांच भाव। कौन क्या पढ़ाएंगे? क्या पढ़ाएंगे? पांच भाव। बोल दे, नींद नहीं आ रही? नींद नहीं आ रही? क्या क्या पढ़ाएंगे आज? पांच भाव। अंदर आओ बेटा, अंदर आओ। क्या नाम है? अप्पा नाम है? अंदर आ जा। हाँ, और भी लोग आ सकते हैं, अंदर जगह है, थोड़ी थोड़ी आ जाओ अंदर। मेरा मतलब बिल्कुल फेस टू फेस बात हो तो मजा आए, इतने थोड़ा थोड़ा सरको ना आप लोग। हाँ भैया आ जाओ भैया, जो लोग बिल्कुल नहीं आता ना वो जरूर अंदर आ जाओ, जिनको कुछ आता है वो भले ही मत आ पाओ, लेकिन जिनको नहीं आता वो तो पहले नंबर आगे आ जाओ। बराबर। हाँ, रेडी? चलिए, बहुत उत्साह से सुनना, एकदम समझ में आएगा, एकदम आनंद आएगा, इतनी बढ़िया चर्चा है। हाँ वेरी गुड जी। चौकियां क्यों लगा ली बीच में अपन ने? देखो कितने लोगों को बाहर बैठी बहने जी। चौकी उठा लो एक मिनट जल्दी से, यहां रख दो पीछे सर का आगे, तो इधर की बहने इधर आ जाएंगी अंदर, क्योंकि जो फेस टू फेस में आनंद है। अंदर जाओ भैया, क्या नाम है? सतीश नाम, क्या नाम? मुक्तेश। हाँ आ जाओ भैया अंदर आ जाओ। बिल्कुल फटाफट सेट हो जाओ, क्योंकि मैं चाहता हूं फेस टू फेस एकदम जो आनंद आए बहुत जोरदार है। पहले हाथ में ले लो, ग्रंथ हाथ में ले लो। हाँ बेटा आराम से।
चलिए बहुत जगह हो गई भाई, बहनें अंदर आना चाहें तो आ जाएं। ओम चलिए रेडी। देखिए एक जीव है और एक कर्म है, क्या क्या है? ये दो बातें जरूर याद रखना, जीव और कर्म, जीव और कर्म। अभी एक बात सुनना, जब हम उदय कहेंगे तो कर्म में होगा, किस में होगा? कर्म में। कर्म में क्या होगा? उदय। और उदय के काल में, उदय सापेक्ष, उदय के काल में जो जीव का भाव होगा उसको कहेंगे औदयिक भाव। पक्का? पक्का। उदय काय में आता है, कर्म में कि जीव में? वेरी गुड। और कर्म के उदय के समय जैसा जीव दिखता है, होता है, परिणमता है, लगता है, उसको क्या कहेंगे? औदयिक भाव। ये बात याद रह जाएगी आपको। इसकी चर्चा दो पांच दिन चलेगी, हो सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा टफ मामला इसी में ही है। जीव को पारिणामिक और औदयिक का भेद विज्ञान नहीं आता, और छायिक भाव तो अभी आपके पास है नहीं, औपसमिक भाव भी अभी है नहीं। एक छायोपसमिक भाव और एक औदयिक भाव और एक पारिणामिक भाव, इन तीन के बीच में भेद विज्ञान करने की कला की चर्चा कल से ज्यादा चलेगी। अभी तो हम आपको केवल परिचय करा रहे हैं। हाँ, एक कौन है? जीव। एक कौन है? कर्म। कर्म में क्या हो रहा है? औदयिक, उदय। उदय किस में होता है? कर्म में। उसी समय जीव का भाव क्या कहलाएगा? औदयिक। इतनी बात याद रह जाएगी। चलो आगे, कर्म में होता है क्षोभसम, क्या होता है? जीव, उस समय जीव को क्या कहेंगे? जीव के भाव को क्या कहेंगे? छायोपसमिक भाव। यहां होता है उपसम, यहां होता है उपसम, उस समय जीव के भाव को क्या कहेंगे? औपसमिक। यहां होता है क्षय, देखो क्षय हो गया, ये कर्मों का क्षय ही हो गया, तो इसको क्या कहेंगे? पक्का? एक बार और देखिए, एक बिल्कुल धवल गोरा सुंदर भगवान आत्मा, लेकिन जब कर्म का उदय आया तो वाइट दिख रहा है कि ब्लैक? ब्लैक दिख रहा है। क्या दिख रहा है? उदय। उदय कहां आया? देखो 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 देखो, उदय कहां रहा है? कहां रहा है उदय? कहां रहा है? देखो जीव तो यूं का यूं खड़ा है, देखो जीव यूं का यूं खड़ा है, देखो ये देखो, उदय किस कहां रहा है? कर्म में। उदय कहां रहा है? अब इस सापेक्ष जीव को देखा जाए तो औदयिक भाव, ये उपसम भाव, ऐसा देखा जाए तो औपसमिक भाव, ऐसा देखा जाए मतलब कुछ प्रकृतियां क्षय रूप, अभाव रूप, उदय अभावी क्षय, कुछ ऐसा देखा जाए तो छायोपसमिक, छायोपसम तो हुआ इसमें। देखो बदलावट किसमें हो रही है? कर्म। किसमें हो रही बदलावट? देखो ए छायोपसम, इसको छायिक भाव, उस समय इसको देखें छायोपसमिक भाव, और ये देखो कर्म का क्षय हो गया। ये कौन, ये भाव कौन सा कहलाएगा? याद रहेगी इतनी बात? अभी सरल है, कठिन नहीं हो, बराबर। वंस अगेन, आप देखो मैं अब तीसरी बार में कुछ और दिखा रहा हूं, तीसरी बार में कुछ और है, ध्यान रखना। देखो जो कुछ हो रहा है ना, इधर इधर हो रहा है, इधर क्या हो रहा है? देखो इधर क्या हो रहा है, फिर से देखो, फिर से देखो, उदय आ रहा है, देखो 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 देखो, क्या क्या आ रहा है? उदय। उदय कहां आया है? और जीव में क्या दिखाई, कहने में आ रहा है? औदयिक भाव। ये क्या हुआ? उपसम। किस में हुआ? कर्म में। इस भाव को क्या कहेंगे? औपसमिक। औपसमिक ये क्या है? क्षोभसम। किस में हुआ? पुद्गल में, कर्म में। और ऐसे भाव को जीव का क्या कहेंगे? और एक क्षय किसका हुआ? कर्म का। क्षय किसका हुआ? कर्म का। और ये जीव ज्यों का त्यों प्रकट हुआ, इसको क्या कहेंगे? बहुत सरल बात है, इतनी बात तो समझ में आ गई। अब चार भाव समझ में आ गए आपको, अब पांचवा भाव फिर देखो, अगली बार फिर, अब अभी देखो पांचवा भाव दिखा रहा हूं, स्टाइल वही की वही है। देखो उदय आया, उदय आया, उदय आया। अब ऐसे नहीं, ऐसे दिखाऊंगा, देखो इसको देखना गौर से, इसको ही देखना तुम, इसको देखो, उदय आया। उदय कहां आया? कर्म में।
और इस अवस्था में जीव को देखना कौन सा भाव है? औदिक भाव। औदिक भाव ये उपशम हुआ, ऐसा देखने में क्या हुआ? औपशमिक। ऐसे में क्या हुआ? छायब समीक। ये क्या हुआ? अच्छा मैं पूछता हूं, चारों अवस्था में इस बिचारे ने क्या किया? ये क्या है? इट इज अनचेंजेबल, इट इज अनचेंजेबल। इसका नाम वास्तव में आत्मा को आत्मा उपादेय है। अभी समझ में आया? कुछ नहीं आया बच्चों को? समझ में नहीं आया? नहीं आया ना? देखो नहीं आया, मैं समझाता हूं। अब आपको एग्जाम्पल इनको, अब बड़े लोग तो समझ गए, अब छोटों को समझाना है मुझे। देखो मंच देखा, नाटक का मंच, तो नाटक के मंच में चार लाइट लगी रहती है, लगी रहती है चार लाइट। तो जैसे नाइट का दृश्य दिखाना हो तो क्या करते हैं? ब्लैक दिखाते कि नहीं दिखाते? और थोड़ा वैसा वैसा दृश्य दिखाना हो तो रेड, ब्लू, और एक ओरिजिनल लाइट भी रहती है, ओरिजिनल लाइट। अभी नाटक शुरू करते हैं अपन लोग। तो मैं एकदम गोरा सुंदर पुरुष, एक गोरा सुंदर पुरुष, बहुत एकदम गोरा, और एकदम सफेद ड्रेस, ड्रेस भी कैसी है उसकी, बिल्कुल एकदम ड्रेस व्हाइट। और नाटक की शुरुआत हुई, मंच पे आया बीचों बीच, और सारी लाइट बंद कर दी, पूरे पंडाल की लाइट बंद, हॉल की लाइट बंद, और सारी लाइट बंद। एक नाटक, नाटक शुरू कैसे होगा अंधेरे में? तो एक काली लाइट चालू की, काली लाइट चालू की। अभी देखो ये तो मैंने राज खोल दिया कि वो एक सफेद गोरा पुरुष और सफेद कपड़े पहने हुए मंच पे आया, ये तो मैंने राज खोल दिया। नहीं खोला होता तो क्यों, कैसा दिख रहा है वो? कैसा दिख रहा है वो? कैसा दिख रहा है? पक्का? तो डरोगे कि प्रसन्न होगे? ये भगवान कैसा, बाप रे कैसा काला कलूटा आदमी, कैसी काली ड्रेस, और कितने बच्चे तो कहो डर जाए। डरे कि नहीं डरे? अच्छा कोई बात नहीं, मैं फिर पूछता हूं, काली लाइट जलने पर पुरुष काला दिखता है कि हो गया? उसका सफेद कुर्ता काला दिखता है कि हो गया? दिखता है कि हो गया? पक्का? पक्का? बस हो गया सम्यक दर्शन, पकड़ लिया तुमने। औदयी भाव के रोशनी में उदय रूप दिखता है, लेकिन पारिणामिक औदयी भाव रूप नहीं होता। आहा, मंच पर से क्रोध की लाइट फिकती है, क्रोध का उदय होता है, क्रोध मान माया लोभ, चार लाइट, चार लाइट, चार लाइट है, चार लाइट लगे, क्रोध मान माया लोभ। जैसे क्रोध का उदय हो, मैंने लाल लाइट चमके, तो वो सफेद कुर्ता कैसा दिखता है? लाल। आदमी कैसा दिखता है? लाल। दिखता है कि हो गया? दिखता है, ध्यान से सुनो, दिखता है वो औदिक भाव, और नहीं हुआ लाल, नहीं हुआ काले रूप, नहीं हुआ वो पारिणामी हुआ। बराबर? पक्का? वेरी गुड। आगे चले अपन, अब ये समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया तो फिर आगे नहीं बढ़े। देखो अभी मैं बाद में और पढ़ाऊंगा जी, तो आज थोड़ा आपको रिहर्सल करा रहे, थोड़ी सी असली नाटक तो कल खेलेंगे अपन, अभी थोड़ी रिहर्सल करा दें आपको। समझना ध्यान से क्या क्या चल रहा है। कर्म की लाइट फीकी, मान की लाइट फिकती है, तो बिल्कुल मान की लाइट में तो भले ही छायक सम्यक दृष्टि हुए भरत बाहुबली, लेकिन वो आ जाओ मैदान में, बाप रे तो उस समय तो देखने वाले को ऐसा लगे साक्षात तो चक्र चला रहे, देखो साक्षात चक्र चला रहे, और आप कह रहे हो उसे पाप नहीं लगा? पाप नहीं लगा बताओ? इनसे तो, भरत बाहुबली से तो हम ही अच्छे भैया, गजब बात है। तुम चक्र नहीं चला रहे हो, फिर भी जो कर्म के उदय में, क्रोध के उदय में, मान के उदय में जैसा दिखाई देता है जीव, तुम उसको वैसा मानकर अनंत पाप करते हो, और वो कर्म के उदय को भिन्न मानते हैं। कौन? भरत बाहुबली यानी सम्यक दृष्टि, छायक समकिति, वो कर्म के, क्रोध के, मान के उदय को भिन्न जानते हैं। लोभ के उदय को, छह खंड का लोभ, लोभ का परिणाम, उसको भिन्न जानते हैं। कैसे जानते हैं? तुम जान सकते हो क्या? नहीं जान सकते? देखो जान सकते हैं। काली लाइट फीकी, आदमी कैसा दिख रहा है? काला। काला कहना औदिक भाव, और काले रूप परिणमित नहीं हुआ, आदमी काला नहीं हुआ। हुआ? ए कितना कितना परसेंट काला दिख रहा है?
بولو. ارے بولو نا, حساب نہیں لگا پا رہے. کتنا دکھ رہا ہے؟ 100 کالا دکھ رہا ہے. ابھی دھیان سے سننا, 100 کالا دکھ رہا ہے اور 100 کالا ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ بھائی یہ دو تتو پکڑ میں آ جائیں. ایسے ایک اوستھا روپ پرنمت اودک بھاؤ والا پرنمت جیو اور ایک اودک کے کال میں پرنامک بھگوان آتما انچینجیبل. کتنا پرسینٹ انچینجیبل؟ پورا, بالکل بھی کالا نہیں ہوا. نہیں ایک آدھا دھاگا تو کالا ہو گیا ہوگا, نہیں ہوا. یعنی چہرے پہ تھوڑا تھوڑا تو کچھ کالا ہو گیا ہوگا. ابھی دیکھو وہ سبھی لوگ ناٹک دیکھ رہے ہیں, سبھی لوگ ناٹک دیکھ رہے ہیں, سبھی لوگ. تو وہاں اس کی پتنی بیٹھی ہے, پتنی. اس کو معلوم ہے کہ آج کے ناٹک کا اسٹارٹنگ کہاں سے ہونا ہے. اسے معلوم ہے کہ میرے پتی کی ڈریس کیسی ہے. یہ تو سب کو ڈرانے کے لیے ایسی کالی لائٹ دکھائی ہے. تو کچھ بچوں نے تو آنکھ بند کر لی, بھگوان ڈر گیا, بھوت آ گیا, ایسا ہو گیا, جو بھی کچھ. تو نانا پرکار کی ہے ایکٹنگ ہو گئی لوگوں کی. لیکن اس کی پتنی ایسے بیٹھی, بڑی مست بیٹھی, اور سب بچے کہہ رہے کالا کالا کالا, بھوت بھوت بھوت. وہ آرام سے بیٹھی. جو کالے کالا دیکھ کر کالا مانے وہ متھیا درشٹی, اور جو کالا دیکھ کر کے بھی کالا نہیں مانے, اس میں کٹھن کام کیا ہے بھیا؟ بتا کٹھن کام کیا ہے؟ آیا سمجھ میں آیا؟ ایسے ہی ابھی کالی لائٹ جلی تھی تو سب اس کو بھوت سمجھ رہے تھے, کالا سمجھ رہے تھے. ایک سیکنڈ بعد, دو سیکنڈ بعد, جو بھی سمے رہے گا اس کا ناٹک میں, تو وہ کالے کے بعد ایک دم تھوڑی سی ریڈ لائٹ جلائی, ریڈ. تو بچے تالی بجانے لگے, ارے دیکھ دیکھ جادو ہو گیا, جادو ہو گیا. کیا جادو ہو گیا؟ ارے وہ کالا نہیں, لال ہو گیا, لال لال کپڑے, لال چہرہ, لال آدمی. کیسا ہو گیا؟ گجب. لال ہوا نہیں, کالا ہوا نہیں تھا. پائنامک بھبی کبھی کالا ہوتا نہیں, اور لال بھی ہوا. کالی لائٹ جلتی تھی تو کیسا دکھ رہا تھا؟ کیسا ہو گیا تھا؟ اور کالی لائٹ بند کر کے جو لال لائٹ جلائی تو کیسا ہو گیا؟ کیا گجب. دیکھو سمیک درشن کی کلا, کالی لائٹ میں کالا دکھتا ہے, لال لائٹ میں لال دکھتا دکھتا ہے, ہوتا نہیں ہے. ایسے ہی بھگوان آتما ہم تم سب سب ابھی اسی چھن ابھی لو سمیک درشن, جلدی کرو. ارے کیا ہنسنے کی بات ہے؟ چار گتی کا اودک بھاؤ ہے کہ نہیں ہے؟ چار گتی کا اودک بھاؤ ہے کہ نہیں؟ چار کسائے کا اودک بھاؤ ہے کہ نہیں؟ اودک بھاؤ مطلب کرم کے ادے کی لائٹ. جیسے وہ کالا دکھتا تھا نا, ایسے کروت کے کال میں آتما کروی لگتا ہے, لگتا ہے, لگتا. لیکن آتما کبھی کروت روپ پر نمت ابھی ہو گیا. تم بڈھے ہو کہ جوان ہو؟ پنڈت جی تمہاری تو آنکھ پھوٹ گئی, میں تو بچہ ہوں. تمہیں کیا لگ رہا ہے, بڈھے ہو کہ بچے ہو؟ کیا لگ رہا ہے بولو جلدی. ارے بولنے میں کیا ڈر ہے؟ ارے پاگل ہے. کیا لگ رہا ہے؟ لگ کیا رہا ہے؟ لگ کیا رہا ہے بتاؤ؟ جوان ہوں. لگ رہا ہے جوان؟ یہ جوان لگنا مانے لائٹ کی پھینکنے میں لگتا ہے, کرم کے ادے کی لائٹ میں ایسا لگتا ہے. چار گتی ہے نا, چار گتی, اس میں ایک منش گتی ہے, منش گتی. اس میں منش گتی کرم کا ایک ادے ہے, اور اس ادے میں آتما کو ایسا ہی لگتا ہے. ابھی تم مر کے استری بن جاؤ, اگلے بھاؤ میں, اگلے بھاؤ میں استری, تو پھر بالکل ویسی ویسی کرو گے. بالکل ہمیں آ گئی ہوں, میں جا رہی ہوں, میں کھا رہی ہوں, میں بالکل پکا. سمجھ آیا؟ میں نے کرم کے ادے میں اس کو جیسے وہ کالا لگتا تھا نا, ایسے کروت کے ادے میں, کروی پورس بیت کا تین لنگ ہے نا, تین لنگ ادے میں, تین لنگ بھی ہیں, استری لنگ, پورس لنگ, نپنشک لنگ. تو جب پورش لنگ کا ادے آئے نا, تو اس کو پورش پورش جیسی بات ہی سوجے. استری لنگ کا ادے آئے تو استری استری جیسا سوجے. تو اس کو کیا لگتا ہے؟ صحیح میں اپن تو استری ہیں, کیا کریں, ہم مر گئے بس. ارے سن, استری کرم کے ادے کی لائٹ میں پورا آتما ایسا لگتا ہے. بس ہو گیا سمیک درشن, اتنے سمیک درشن ہو گیا. اب اس میں کٹھن کیا ہے بولو, سمیک درشن کرنے میں کٹھن کیا ہے بولو؟ لے کے جانا بھائی آج, کیا کہہ رہے سیدھے.
कठिन नहीं है बहुत। अभी समझो जरा आप, इसकी मैं बहुत चर्चा करना चाहता हूँ, क्योंकि औदिक भाव की चर्चा 21 भेद है और बहुत टिपिकल पढ़ रहे हैं लोगों को, तो मैं उसी की चर्चा करूंगा। आज तो नहीं कर पाएंगे, अभी तो पूरी लाइट फेंकना है ना मेरे को। ए कौन सी लाइट फेंकी थी अभी? लाल। तो कैसा दिख रहा था वो? लाल। कैसा हो गया वो? हुआ नहीं। देखो ऐसा गजब, देखो गजब, एक पानी है ना, पानी इसका शीतल स्वभाव है, पानी का शीतल स्वभाव। अब औदिक भाव किसको कहना, ध्यान से सुनना, औदिक भाव किसको कहना, कि जो नीचे से वो जला ना ईंधन, गैस जलाई ना गैस, तो गैस जलने से पूरा का पानी खोलने लगा, तो पूरा खोलता हुआ पानी देखना कहना, पूरा खोलता हुआ पानी देखना और कहना, ये तो है औदिक भाव। बिल्कुल सच्ची बात है, आप हाथ डाल दोगे तो औदिक भाव से जल जाओगे, गरम गरम पानी पियोगे तो जल जाओगे आप, बिल्कुल पक्की बात है। उसको आप शीतल स्वभाव, बराबर है, शीतल स्वभाव है, शीतल स्वभाव है वो, पारिणामिक भाव, अनचेंजेबल। मैं इसको इसको शीतल स्वभाव के बजाय थोड़ा सरल करूं, उसमें H2O है कि नहीं? पानी का फार्मूला क्या है? मैंने एक बच्चे से पूछा पानी का फार्मूला क्या है, तो बोले HIJKLMNO। नहीं समझ में आएगा? हाँ, H2O, H2O, HIJKLMNO। अरे बल्ला आदमी, हमने नहीं कहा, हमने तो वो कहा था हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन एक। हाँ समझ गए कि नहीं? तो H2O। अच्छा बताओ ठंडा पानी का फार्मूला क्या है और गर्म पानी? तो गर्म पानी का फार्मूला भी H2O और ठंडे पानी का फार्मूला भी, इसका नाम पारिणामिक भाव है, अनचेंजेबल फार्मूला, अनचेंजेबल है। जरा फिजिक्स की भाषा में कहो, केमिस्ट्री की भाषा में, तो उसकी प्रॉपर्टी अनचेंजेबल है। जैसा हमें कैसे मालूम पड़े इतना खोलता हुआ पानी ठंडा है या ठंडा स्वभाव है उसका, शीतल स्वभाव है? तो एक काम करो, एक खोलता हुआ पानी भट्टी पे डाल दो, भट्टी और जलेगी ना? कैसे बुझ गई? गर्म स्वभाव हो जाता है कि जलाता है? बताओ, बताओ ना। अरे बोलो तो फिर। गजब बात। हाँ, उबलता हुआ, उबलता हुआ दिखना ये औदिक भाव, और उस समय शीतल स्वभाव ने अग्नि बुझाई, गर्म स्वभाव ने अग्नि नहीं बुझाई। गर्म स्वभाव तो बोलो औदिक भाव, और उस शीतल स्वभाव ने अग्नि को बुझाया, ये ठंडा भाव। ओ हो पारिणामिक भाव, पकड़ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही जो आत्मा खोल रहा है ना, वो ही बुझाएगा इस खोलने को। क्या कह रही? आत्मा की परिणति में क्रोध मान माया लोभ की कसाएं झुलस रही हैं, जलस रही, जल रही है ना, इसको बुझाएगा कौन? कि आत्मा में एक पारिणामिक भाव, त्रिकाली स्वभाव पड़ा हुआ है, वो ही बुझाएगा इसको। इसलिए हम कहते हैं तू खोलते हुए को मत देख, खोलते हुए में भी शांत शीतल परमात्मा स्वभाव को देख, उसका नाम पारिणामिक भाव। कठिन की सरल? जिसे कठिन लगे वो पहले बोलो, हम और सरल करेंगे अभी, और सरल। एक काम करो आप तो सौगंध ले लो, जब तक समझ में नहीं आएगा हम रोज आएंगे। समझाने की जिम्मेदारी हमारी है। फिर से चलो, फिर से कहां गए थे राजकुमार जी? अपन दो लाइट जल गई थी, कौन कौन सी लाइट जल गई थी? काली, काली के बाद लाल। ये तो बहुत सरल, इतना इससे सरल दृष्टांत अभी मुझे मिला नहीं, मिलेगा तो फिर अगली बार लाऊंगा। कितनी लाइट जली? दो, लाल हुआ। अभी लाल में भी आखिर वो रेड लग रहा था, रेड पूरा रेड, तो अभी येलो लाइट जली, येलो, येलो लाइट में तो और जरा अच्छा लगने लगा एकदम। अरे देख तो कितना अच्छा आदमी है जी, देख कितना अच्छा, ये भैया कितना पुण्य का उदय है, पहले तो काला कलूटा था। फिर कैसा हो गया था? ये लाल हो गया था, लेकिन अब कैसा हो गया? अब मिथ्या दृष्टि को ऐसा लगता है, मिथ्या दृष्टि को ऐसा लगता है, मिथ्या दृष्टि ऐसा मानता है। सही भैया, यदि काले आदमी को गोरा होना हो तो मंच पे खड़ा कर दो। क्यों? गोरा होने की क्या विधि है? ऐसे ये नहीं मालूम कि वो ऑलरेडी गोरा है, ऑलरेडी गोरा है, लेकिन ये लाइटों में तो वो रंगीन दिखता है, लेकिन रंगीन होता नहीं। वेरी गुड, तीन लाइट जल गई अभी,
अब पीला अच्छा लगे, थोड़ा सा अच्छा लगा बच्चों को, और प्रसन्नता हुई, और अब समझ लेना। अब तरह तरह की चर्चाएं होने लगी, और ये देखो तो कितना सुंदर पुरुष, कितना गोरा पुरुष। अब उसकी पत्नी वहीं बैठी अभी सम्यक दृष्टि उसे तो मालूम है सब, उसे तो सब मालूम है, तो वो मुस्कुरा रही। किसी ने कहा तुम्हें कुछ नहीं हो रहा, देखो तो इसका कितना पीला कलर, कितना जोरदार लग रहा है, बिल्कुल लुकिंग स्मार्ट। तो वो कह रही काय का लुकिंग स्मार्ट, अभी देखना जरा अभी तुमने देखा ही क्या है, अभी देखना जरा। अब चौथी लाइट जली, ओरिजिनल लाइट जली, ऐसे ओरिजिनल। ओ मुझे तो इन बातों की सुना है, कहां लिखा है रतनगढ़ साहब का आचार्य जी में कि वो प्रसार सिद्धि उपाय में। अरे तुमसे नहीं पूछा ना भैया, हम तो जिसकी परीक्षा ले रहे हैं उससे पूछ रहे थे, कोई बात नहीं आज छोड़ दिया। अब ऐसे नहीं करना क्या बोला था, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। क्या खबर नहीं थी, देखना अब ध्यान से सुनना, सम्यक दृष्टि की आवाज क्या आएगी, जो समझदार होंगे वो, अरे मर गए, हमारा तो भ्रम दूर हो गया। ओरिजिनल लाइट जलने पर क्या बोलेंगे अपन, हमारा तो भ्रम दूर हो गया, ये तो गोरा आदमी था। क्या कह रहा है, था क्यों कह रहे हैं, ऐसा बोलो ना, गोरा हो गया। ये गोरा हो गया, सफेद हो गया दर्शक ये बोले, ध्यान सुनना, अंडरलाइन करने लाइन वाली बात है, मैं उसको खोलूंगा बाद में, अंडरलाइन करने वाली बात है। ए भ्रम दूर हो गया, क्या भ्रम दूर हो गया, ये तो सफेद ही था, ये तो सफेद कुर्ता ही पहना था, ये हम तो बेकार में इसको काला लाल पीला मान रहे थे। क्या मान रहे थे, मान रहे थे। ए सफेद हो गया कि था, अब ध्यान से सुनना, जो सफेद हो गया, जो सफेद दिख रहा है वो छाइक भाव, सफेद दिख रहा है वो छाइक भाव, और सफेद ही था ये पारिणामिक भाव। क्या कह रहे, हाँ, जो सफेद दिखा अब दिखा जे छाइक भाव, और सफेद ही था ये पारिणामिक भाव। अब मैं फिर से पूछता हूं, फिर से, चार प्रकार की लाइट जलने पर भी उसकी सफेदी में और उसके कपड़े की सफेदी में क्या फर्क आया, जो कुछ भी फर्क नहीं आया, वो आनंद प्रदाता है, आनंद देने वाला पारिणामिक भाव है। और जो चार कलर हो रहे थे, इसमें तो दुखी हो रहे थे, कहीं भयभीत हो रहे थे, कहीं राक्षस मान रहे थे, कहीं भूत मान रहे थे, कहीं लाल पीला मान रहे थे। अब बताओ, आनंद करने के लिए चार लाइट का इंतजार करें कि चार लाइट के बीच में भी वो तो ज्यों का त्यों ही है, ये माने, बोलो बोलो क्या माने, पक्का। चलिए आगे सुनो, नींद नहीं आ रही, छोड़ दूं, पक्का, चलो। तो चार लाइट जली, चार प्रकार के भाव दिखाई दिए, बदलते हुए परिणाम दिखाई दिए, उसमें एक अंडरलाइन वाली लाइन छूट गई अभी, कौन सी, कि भ्रम दूर हो गया। लोगों ने ये कहा, ये सफेद हो गया नहीं, सफेद ही था, बस यही मुझे कुछ कहना है। सिद्धों के छायिक भाव को देखकर हमारा भ्रम दूर हो गया, सिद्धों की छायिक भाव को देखकर हमारा भ्रम दूर हो गया। क्या भ्रम दूर हो गया, कि जीव अनादि काल से शुद्ध ही क्या था, एक काली लाइट जल रही थी, लाल लाइट जल रही थी, पीली लाइट जल रही थी, तब भी आदमी तो सफेद ही था, और उसके कपड़े भी सफेद ही थे। क्या दूर हुआ, क्या दूर हुआ, सफेद हुआ तो नहीं, पक्का। ऐसे ही आत्मा अनादि से शुद्ध ही था, सिद्धों के छायिक भाव को जानने से पता लग गया और हमारा भ्रम दूर हो गया। कौन सा भ्रम दूर हो गया, कौन सा भ्रम दूर हो गया, बोलो ना, लाल पीला तो नाम है, इधर क्या बोलो, मैं संसार रूप हो गया, चार गति रूप हो गया, चार कसाय रूप हो गया, मिथ्या दृष्टि हो गया, पापी हो गया, रागी द्वेषी हो गया, ये भ्रम दूर हो गया। क्या दूर हो गया, क्या दूर हुआ,
एक वो भजन गाते हो ना, कौन सा, ब्रह्म पलाया, क्या है भगवान की भक्ति में गाते ना, आज सारे भ्रम पलाए सारे दूर हो गए, ऐसा कोई भजन है, हम याद नहीं आ रहा है, अभी बता रहे हैं, हाँ मोह पलाया कह दो, भ्रम पलाया, राग देश पलाया, भ्रम मिट गया, क्या मिटा, चलो इसको एक सरल दृष्टांत दें, हम आज की चर्चा का सरल दृष्टांत, एक और जल्दी से बता भैया, 10 लीटर दूध में 1 लीटर घी है तो निकलता है कि निकालते हैं तो निकलता है, 10 लीटर दूध में 1 लीटर घी था तो निकलेगा कि निकालेंगे तो निकलेगा, पक्का था सुना, दूध की अवस्था ये औदिक भाव, दूध की अवस्था ये औदिक भाव, और उसमें पूरा का पूरा घी पारिणामिक भाव, अब पारिणामिक भाव शुद्ध है कि अशुद्ध है, दूध में डालडा घी रहता है कि शुद्ध घी निकल रहता है, दूध में कौन सा घी रहता है, कौन सा घी रहता है दूध में, शुद्ध एकदम प्योर, अच्छा ऐसा तो नहीं अपन वो निकालें तो प्योर होता है, ऐसा तो नहीं है, क्या गजब बात है, प्योर था तो निकला, ऐसे इस देह में इन 4 गति में 4 कषायों में 8 कर्मों में मोह राग देश में संसार के क्लेशों में भगवान आत्मा शुद्ध था तो 14 गुणस्थान की प्रोसेस करने पर शुद्ध हुआ कि निकला, बोलो ने, अभी कच्चा हो गया क्या, मैं कुछ गड़बड़ हो गई कुछ, फिर से बोलो क्या हुआ, शुद्ध हुआ कि निकला, शुद्ध हुआ कि निकला, अभी एक राय नहीं बनी कोई, संसद की एक राय नहीं बनी, सदन की एक राय होनी चाहिए, हम समझो देखो लोक व्यवहार में हम कहते हैं शुद्ध हुआ, लोक व्यवहार में कहते हैं शुद्ध हुआ, लेकिन हम आपको घी के मामले में पूछ रहे, बताओ कोई कहता है कि साहब देखो दूध की अवस्था में तो अशुद्ध घी था कि नहीं, दूध की अवस्था जब गाय भैंस का दूध निकला तो अशुद्ध घी रहता है ना उसमें, बोला ना, डरते क्यों, अशुद्ध घी रहता है ना, फिर अपन उसको जब गर्म करते हैं छानते हैं फिर ऐसा करते हैं 14 गुणस्थान की मेहनत करते हैं तब भाई साहब घी शुद्ध होता है, अपन ऐसे ही होता है ना, शुद्ध होता है ना, क्या कह जाओ, समझ आया सिद्ध नहीं, एक समझ में आया कि नहीं, अरे घी शुद्ध नहीं होता, शुद्ध घी था तो शुद्ध निकलता है, ऐसे ही शुद्ध भगवान आत्मा है तो शुद्ध प्रकट होता है, इसका नाम सिद्ध, मुझे तो इस सिद्ध शब्द बहुत अच्छा लगता है, सिद्ध शब्द बताऊं, सिद्ध शब्द, एक गणित पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, 8वीं में तुम पढ़ते हो, 8वीं कौन पढ़ता है, 8वीं कोई नहीं पढ़ती, 7वीं में भी कुछ होगा पता नहीं, वो प्रूफ करना पड़ता ना गणित में, प्रूफ करो, प्रूफ दैट, ट्रिग्नोमेट्री नहीं थी ट्रिग्नोमेट्री में, प्रूफ दैट, सिद्ध करो कि क्या सिद्ध करो, ए बी रेखा बी सी रेखा सी डी रेखा समकोण चतुष्कोण ऐसा बताओ, 2 बराबर रेखाएं हैं है कि नहीं, 2 नौ का समकोण 90 अंश, हमें मालूम, हमने कुछ पढ़ा नहीं, लिखा रहता कि नहीं लिखा रहता, मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, बताओ वो गणित की जो ट्रायंगल वगैरह जो कुछ भी है, जो कुछ भी है मुझे ये बताओ कि वे प्रूव है कि प्रूव करना है, प्रूव है फिर प्रूव कैसे करते हो, प्रूव दैट कैसे करते हो, कि फिर हम उसका वो पूरा गणित बना के दिखाते हैं, फार्मूले लगाते हैं सारा, और फिर आखिरी में सिद्ध हो जाता है, क्या सिद्ध हो जाता है, क्या सिद्ध हो जाता है, ये सिद्ध हो गया कि कोण वगैरह बराबर हैं जो कुछ भी होता है कि नहीं होता है, प्रूव दैट प्रूव डिट, तो पहले से प्रूफ था तो प्रूफ हुआ, और प्रूफ नहीं हुआ तो हम एक काम कहते हैं आपसे, आप सिद्ध करो कि 1 किलो पीतल सोना है, करो प्रूफ करो भैया आपकी केमिस्ट्री लगाओ केमिस्ट्री, हम कह रहे हैं 1 तोला नमक सिद्ध करो कि शक्कर है, करो आप, हंसने की आवाज है, करो आप प्रूफ
जो ऑलरेडी प्रूव्ड ना होए, जो ऑलरेडी प्रूव्ड ना होए वो प्रूव होती नहीं है। ऐसे जो आटम जो अनादि अनंत शुद्ध ना हो तो उसकी शुद्धता सिद्ध नहीं होगी। 14 गुणस्थान के बाद शुद्धता सिद्ध हुई, भगवान सिद्ध हो गए। क्या बोल रही? भगवान सिद्ध हो गए, महावीर भगवान सिद्ध हो गए। क्या सिद्ध हो गए? क्या सिद्ध हो गए? ये सिद्ध हो गया, ये सिद्ध हो गया कि ही इज ऑलरेडी प्यूरिफाइड। वे प्योर नहीं हुए, क्या कह रहे? पारिणामिक भाव अनादि अनंत अनचेंजेबल प्योर 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 था तो 14 गुणस्थान की प्रोसेस करने पर प्रूव्ड इट, सिद्ध हो गए, सिद्ध हो गए। समझ गए नहीं? देखो भैया, एक अंतिम दृष्टांत दूं जो प्रूव्ड होने का, इसके बाद छुट्टी कर देंगे आपकी, ठीक है? देखो एक दृष्टांत दूं, मेरी घड़ी है, कोई भी चीज है, सोने की रकम है, घड़ी है, कोई है मेरे पास, मैंने खरीदी और इनने चुरा ली। अब मैं इनसे क्या कहूंगा? प्रूव करो आपकी, आपकी ये तो कहेंगे, आप सिद्ध करो आपकी, कैसे आपकी? नहीं तो मैं सिद्ध करता हूं, करते कि नहीं करते सिद्ध? तो सिद्ध कैसे होती, बता सकते हो? सिद्ध कैसे होगी? वो कैसे सिद्ध करेगा, मैं कैसे सिद्ध करूंगा? कि पहले नंबर तो उस घड़ी का स्वामी मैं हूं, मैंने खरीदी है, उसकी रसीद है, कुछ ना कुछ है ना, कुछ प्रूव है ना मेरे पास। अच्छा, अब वो कह रहा है नहीं, देखो ध्यान सुनना, ध्यान से स्वामी, एक सभी लोग सुनना ध्यान से, वो मालूम क्या कह रहा है? मैं भी सिद्ध कर सकता हूं। बोले क्या सिद्ध कर सकती हूं? सुनना जरा, कि रेलगाड़ी सीट पहले मैंने देखी थी इसलिए मेरी है, चूंकि मैं आधा घंटे से बैठा हूं इसलिए मेरी है, चूंकि घड़ी में 2 दिन से बांधे हुए हूं इसलिए कौन की है? वो मेरी है, सिद्ध कर रहे। 2 दिन से बांधे हूं, मैंने देखी है, तुमने 2 दिन से देखी तक नहीं। नहीं होता ऐसा क्यों? पेड़ पे से एक बेर गिरे, बेर बोर, जो कोई पहले देखे उसका नहीं हो जाता? नहीं हो जाता? रेलगाड़ी में तो पहले ऐसा होता था, मेरी सीट है, बहुत लंबी लड़ाई होती वहां था, तो प्रूव करो, क्या प्रूव करो? यहां मेरा रुमाल रखा था। नहीं भैया, तेरी है कि नहीं, तू प्रूव कर। तो ऐसे तमाम प्रूव किए गए, प्रूव दो भैया, प्रूफ दो, तुम्हारी घड़ी है तुम्हारी है कि हमारी है? कि साहब 6 महीने से ये आदमी पहन रहा है घड़ी, लेकिन घड़ी मेरी है, बता जो पहना है उसकी है? अब वो कह रहा 6 महीने से इतने लोग देख रहे हैं, पूछ लो आप कि भैया 6 महीने से तुम पहन रहे हो इसलिए लोगों ने देखा, और सब कह रहे हैं, सब क्या कहला थे, विटनेस, सब कह रहे हैं साहब इन्हीं की है, लेकिन मेरे पास एक सबूत ऐसा है, एक सबूत, एक ही सबूत तो बहुत है। तू 6 महीने में 600 आदमियों के सबूत लाता है, और मैं कहता हूं ये देखो मेरे पास रसीद है। अब जरा ध्यान से बताना, बताओ घड़ी किसकी सिद्ध हुई? रसीद वाले की। अच्छा, सिद्ध हुई कि सिद्ध थी? पहले से वो मेरी थी, पहले से मैंने खरीदी थी, पहले से मेरे पास उसकी रसीद थी, तभी तो सिद्ध हुई। क्या सिद्ध हुई? क्या सिद्ध हुई? ये घड़ी रसीद वाले की, बराबर दृष्टांत है। ऐसे ही तुम अनादिकाल से कह रहे हो ये आत्मा पर का है, राग देश का है, मोह का है, कर्मों का है, गतियों का है, जाने कौन कौन का है, और तुम्हारे पास सबूत भी ढेर सारे हैं। देख लो कर्म के उदय, देख लो 4 अनियोग, देख लो भगवान की देवदानी में क्या खिल रहा है, देख लो भाव, तुम्हारे पास भी बहुत सारे वो हैं, क्या कहना चाहिए, औदिक भाव के सबूत हैं। लेकिन हम एक बात कह रहे हैं, प्रूव करो, प्रूव करो कि सुनो साहब, जितने तुम्हारे प्रूव है ना, ये सारे के सारे प्रूव तो हैं औदिक भाव के, लेकिन एक अनचेंजेबल भाव है अनादि निधन शुद्ध, अनादि निधन शुद्ध एक रूप, जानन जानन जाननमय आनंदमय पारिणामिक भाव। सब कैसे मालूम पड़े? कि आप देख लो, देखो इस सिद्ध भगवान इस सिद्ध हो गए। क्या सिद्ध हो गए बताओ? इनके जीवन में औदिक भाव आएगा? कभी आएगा? औपसमिक भाव आएगा? छायोपसमिक भाव आएगा? छायिक भाव आएगा? देखो ये देखो, अब जैसे के तैसे रह गए, जैसे के तैसे
रहिए अनंता अनंत काल। आगे बोलो, क्या लिखा है? यथा यथा तथा, जैसे थे वैसे। अब हम फिर पूछ रहे हैं आपको, घी शुद्ध था तो निकला? बोलो ना, है पक्का? था तो ही निकला ना, पक्का? तो इस सिद्ध भगवान हो गए, सिद्ध हो गए, महावीर भगवान सिद्ध हो गए। क्या सिद्ध हो गए? 100% शुद्ध सिद्ध हो गए। तो 100% शरीर में रहने पर कितने परसेंट अशुद्ध हो गया आत्मा? राग के साथ रहते हुए कितना परसेंट अशुद्ध हो गया आत्मा? क्रोध के साथ रहते हुए आत्मा कितना परसेंट अशुद्ध हो गया? अच्छा, कब अशुद्ध हो गया? पक्का पक्का? यही का नाम तो सम्यक दर्शन है। बस अब मस्ती से जाओ, आराम से जाओ, आनंद करते हुए जाओ, फिर राग दिखाई देगा, लेकिन समझ नाम अशुद्ध नहीं होती। हम राग रूप नहीं पढ़ने आए, तो लाइट ही लाइट दिखना चाहिए सपने में। राग आए, क्रोध आए, लोभ आए, मान आए, खाओ पियो लड़ो झगड़ो कुछ होए, सब उदय भाव की लाइट है। और मैं तो भगवान आत्मा सिद्धों के समान, सिद्धों के समान हो भैया हो। अब हम और क्या कहें? हो, दूध में जैसे घी था तो निकला, ऐसे ही यहां भगवान हो तो प्रकट होगा। इसका नाम पायनामी भाव। समझ में आया कि नहीं आया? कठिन तो नहीं लगा? अब अपन लाइट बहुत फेंकेंगे अभी, क्योंकि मुझे औदिक भाव पूरा पढ़ाना है। औदिक भाव के 21 भेद पूरे पढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि मैं यदि ऐसा कह दूं ना, औदिक भाव से भिन्न भगवान आत्मा मैं हूं, खूब देखो, मुझे मालूम कोई नहीं देखेगा। घर जाते से जैसी क्रोध का साय का उदय आ जाए, तो भले क्रोध के समय में क्रोध कर ले जीव, लेकिन एक घंटा दो घंटा बाद जब शास्त्र पढ़ेगा तो माथा घूमेगा, ये भगवान इसमें लिखा है पारिणामिक भाव हूं, और मैं कितना क्रोध करता हूं। देखो, एक तरफ तो हम परमात्मा है, एक तरफ तो त्रिकाली गया है, और एक तरफ कितना गुस्सा कर। फिर रोने लगे, देखो फिर रोने लगे, फिर रोने लगे। हम फिर पूछ रहे, एक अंतिम दृष्टांत, एक क्या करें, वो एक अंतिम दृष्टांत दे रहे। चिंता नहीं करना, नींद तो वैसे आती नहीं आप लोगों में, नींद आ जाए ना तो मैं छोड़ दूं जल्दी से, लेकिन नींद आती नहीं है आपको। देखो, एक दृष्टांत देता हूं, शीतल भाई दे दें दृष्टांत। देखो, समय सारजी परमागम में नाटक दिखाया, नाटक हर हर जो अधिकार है ना, वहां स्वांग कहा उसको। क्या बोला उसको? स्वांग। क्या बोला उसको? स्वांग। ऐसे हमने भी नाटक दिखा दिया आपको, ये सब स्वांग है, ध्यान रखना स्वांग है। स्वांग में एक जोरदार बात सुना कि दो मित्र थे, दो मित्र, और दोनों की पत्नियां भी सामने बैठी थी। कहां बैठी थी? सामने। और दोनों मित्र क्या बने? एक बना राम और एक बना रावण। मित्र थे दोनों, एक बना राम एक बना रावण, और दोनों की पत्नी कहां बैठी थी? बिल्कुल बगल बगल में, बगल बगल में। अब आज अंतिम फाइटिंग का दृश्य है, वो समझ गए हो? अंतिम फाइटिंग माने आज राम को रावण को मारना है। राम रावण को बहुत ओलाइने देगा, बहुत कुछ बोलेगा, पटकेगा, मतलब तो नाटक में तो हंसाना भी हो नहीं, तो बिल्कुल ऐसे गिरेवान पकड़ पटक दे, उसके ऊपर बैठ जाए, मतलब जो नाटक खेले हो तो तलवार ऐसे, जो अब समझ लेना अभी सारा है ना। अब उसमें तो देखो, नाटक तो नाटक है, नाटक में तो क्या करना पड़ेगा कि जैसे ही वो रावण का वध होगा तो छाती कूटेगा ऐसे ऐसे, वो ऐसे ऐसे चीरेगा, ओ एक खून की पिचकारी छोड़ेगा ऐसे ऐसे, वो ऐसे वो क्या फुग्गा में से पिचकारी फोड़ेगा, तो वो अपने खून को खुद ही उठा के ऐसे ऐसे करेगा ऐसे। अभी मुझे एक बस इतनी में कहना है कुछ कि मैं ये पूछता हूं कि जो राम रावण की गाली गलोच हो रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी, वो मर ही गया बेचारा, वो तड़प रहा है, चीख रहा है, ऐसा खूब कर रहा है, उस समय उसकी जो पत्नी बैठी है वो कितना रोएगी? कितना रोएगी बोलो? कितना रोएगी बोलो? ऐसे उसके पाप को होती नहीं आ रहा? देखो, अब मिथ्या दृष्टि हो तो क्या हुआ? देखो, ये दोनों ही पत्नी मिथ्या दृष्टि हुए, अभी तो सम्यक दृष्टि थी, इसलिए दोनों जने पॉपकॉर्न खा रही हूं। मैंने रावण के मरने का उसे रत्ती भर भी दुख नहीं है, जबकि उसी की पति की आवाज है, वो चिल्ला रहा है, चीख रहा है, मर गए बचाओ। मैंने आवाज कैसी निकलेगी?
मतलब जैसे डेली रूटीन की लाइफ की आवाज होगी वही तो निकलेगी। ऐसा होने पर भी उसकी पत्नी उठ करके मंच पे नहीं जाएगी, रावण को अलग नहीं करेगी, राम को अलग नहीं करेगी, और वो पत्नी को भी बुलाने नहीं, तुम तो अपने पति समझा लो। क्या गजब सम्यक दर्शन का कमाल तो देखो आप, कल्पना करो मिथ्या दृष्टि हो तो क्या होगी, जो पॉपकॉर्न खा पाएंगे। समझ गए क्या होगा, क्यों मालूम पड़ा कि यार राम रावण का नकली हो रहा है और बहुत दोनों का। क्या गजब, ये है सम्यक दर्शन की ताकत, ये है सम्यक दर्शन की ताकत। औदयिक भाव के घमासान के बीच में पारिणामिक भाव शांति से स्वभाव का संवेदन करता है, वो शांत पड़ा रहता है, और जो श्रद्धा इसको जानती है वो श्रद्धा उसका स्वाद चखती रहती है, श्रद्धा उस पारिणामिक भाव का स्वाद चखती रहती है, माने पॉपकॉर्न खाती रहती, पॉपकॉर्न समझिए, श्रद्धा प्रतीति में उस पारिणामिक को लिए, वो घमासान नहीं देख रहा, वो घमासान को तो अमृतचंद स्वामी की भाषा में कहें तो वो तो स्वांग है, और स्वांग में तो हो गई ऐसे ही होगा, उसमें क्या बात है। बोलो इतने सारे भगवान विराजे हैं, सारे सारे भगवान, अपने को भगवान देखो। अब ठीक है, एक थोड़ा लेडीज का स्वांग कर रही है, थोड़ा जेंट्स का स्वांग कर रहे हैं, ये थोड़ा बच्चे का स्वांग कर रहे हैं, वो कौन, कौन? अब पारिणामिक छोड़ दिए, अब भगवान कहो अपने को, अपन तो भगवान है, थोड़े दिन का स्वांग है, थोड़े दिन का हो, थोड़े दिन का, थोड़े दिन में धक्का मुक्की होगी, अभी वो अभी भी होगी, अभी ऐसा नहीं अभी होगी, क्योंकि चौथे गुणस्थान तक छह लेसिया होती हैं, माने चौथे गुणस्थान तक खूब धक्का मुक्की होती है, होती है वो, अभी तुम ये नहीं सोचना कि अपन इतने प्रवचन सुन रहे तो आज ही सुधर जाए। वो औदयिक भाव तो धीरे धीरे सुधरेगा, लेकिन औदयिक भाव के काल में जो पारिणामिक देखना सीख जाएंगे वे पक्के सम्यक दृष्टि हो जाएंगे। पॉपकॉर्न खा पाओगे नहीं खा पाओगे आज, समझ में आए पॉपकॉर्न का मतलब, समझ में आया नहीं, वो श्रद्धा श्रद्धा पारिणामिक भाव को देख देख के मस्त है बिल्कुल एकदम, जैसे पत्नी मस्त है ना बिल्कुल। तो अब कई बार ऐसा होता है, हालांकि दृष्टांत में तो रावण मरा ना इसलिए कोई महिला रोएगी नहीं, पब्लिक पब्लिक, लेकिन जब सीता का हरण होए, सीता का हरण हुआ और उसने इतना बढ़िया स्वांग किया, आदमी ने था तो आदमी बना कौन, सीता, और जब स्वांग हुआ तो ऐसा जोरदार स्वांग किया कि सारी महिलाएं रोने लगी वहां, बिल्कुल एक नहीं रो रही बस, बाकी सब रो रही फूट फूट के, ये बेचारी रे सीता बेचारी, देखो जंगल में बेचारी को कोई नहीं है। इतना रोने पर भी वो एक नहीं रो रही, क्यों नहीं रो रही, तो सबने रुमाल निचोड़ते हुए कहा तुम्हें कछु नहीं हो रहा। बोले हमें क्या, भी तो हमारे पति है। रोने का तो ड्रामा कर रहे हैं, उनकी आंखों में तो, उनकी आंखों में तो एक भी आंसू नहीं है, ये तो तुम्हें जो दिख रहा है ना वो नहीं है, ऐसी तुम्हें जो औदयिक भाव का ड्रामा दिख रहा है वो कुछ नहीं है, अंदर में तो एक पारिणामिक परमेश्वर प्रभु हूं मैं, कौन। अब जिनको स्वामी जी की भाषा में कहो नाभि से आवाज आई होगी उन्हें सम्यक दर्शन, और बाकी तो अभी ठीक है, पंडित जी कालागत कह दी भी, तो हमारी बुंदेलखंडी में कहते हैं लई जवान तलुआ से दे मारी। होगा सम्यक दर्शन ऐसे होगा, ऐसे ऐसे कहीं सम्यक दर्शन, यार सम्यक दर्शन लाया खूब पापड़ बेलने पड़ा। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं इस औदयिक भाव से भिन्न पारिणामिक यदि समझ में आ गया हो तो इतना भाव भाषण पहले नंबर कराओ, बाकी फिर भी कोई कसर बट्टा रह गया होगा तो अभी तो और है अपने पास टाइम, अभी तो कितने दिन, छह दिन और अभी अपन और लाइट जलाएंगे। ओम नमः शिवाय। पांच भावों की अत्यंत मार्मिक चर्चा बहुत ही सरल और सुंदरतम शैली ने हमने अभी आदरणीय पंडित साहब से सुनी, अभी तो प्रवेश किया है पांच भावों के अंदर।